नमस्कार दोस्तों, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सात मुखी रुद्राक्ष के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। सात मुखी रुद्राक्ष के देवता हनुमान माने गए हैं। इसे सात सप्त ऋषियों, जो सात ऋषि हम ब्रह्मांड में देखते हैं, उनका स्वरूप भी माना गया है। इसे धारण करने वाला कीर्ति, विजयश्री इत्यादि को प्राप्त करता है। ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। जो भी मनुष्य सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं होता। जन्म कुंडली में यदि पूर्ण वे आंशिक काल्प सर्प योग हो तो सात मुखी रुद्राक्ष उस जातक को धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जातक को विपुल वैभव और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जिसके ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो, उन जातकों को सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो उनकी साढ़े साती में काफी लाभदायक होगा। ये इसलिए है क्योंकि जो इसका संचालक ग्रह है सात मुखी रुद्राक्ष का, वो शनि है। तो शनि की शांति के लिए सात मुखी रुद्राक्ष जातक अवश्य धारण करने। अब इसे धारण करने की विधि, सात मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन पूजा अर्चना के बाद शिव का ध्यान करते हुए ओम हुंग नमः, ओम हुंग नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर काले धागे में सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करके अपने गले में पहने। भगवान शिव आपका कल्याण करें। इसी आशा के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो आठ मुखी रुद्राक्ष के ऊपर लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।